नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता और आज मैं अपने चैनल रेसिपी समय आपको साबुत मसूर की दाल फ्राई बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है साबुत मसूर लिया है। इसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था। अब इसको अच्छे से धुल लीजिए और अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। प्रेशर कुकर में इसको दाल को डालने के बाद 2 गिलास पानी मैंने डाला है, यानी 400 मिलीलीटर पानी डालेंगे। साथ में 1 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और इसको ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इसको एक प्रेशर सीटी आने तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च बारीक काट के रख लीजिए। 4-5 लहसुन कलियाँ बारीक काट कर रख लीजिए और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा बारीक काट कर रख लीजिए। तड़के के लिए मैंने तेज पत्ता लिया है, 1 साबुत सूखा मिर्चा और 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है। मसाले मिलेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है। टमाटर 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने काट कर रख लिया है और धनिया पत्ती काट कर रख लीजिए। इसको मैंने देसी घी में पकाया है। ये देखिए दाल पक चुका है, मैंने 1 सीटी में ये दाल पकाया है। देखिए किस तरह से दाल पका है, ये पूरा गला नहीं है, आधा गला है, यानी दाल के 2 टुकड़े हो गए हैं। बिल्कुल देखिए साबुत ही है लेकिन ये गल चुका है अंदर से। अब हम गैस पर एक पैन में 2 छोटा चम्मच घी डालेंगे। आप चाहें तो इसको तेल में भी पका सकते हैं। घी गर्म होने पर इसमें जीरा डाल देंगे ब्राउन होने के लिए, साथ में तेज़पत्ता और सूखी मिर्ची को तोड़कर डाल देंगे। सूखी मिर्ची डालने से दाल में सोंधापन आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इससे तड़का हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन को डालेंगे और कुछ सेकंड इसको फ्राई करेंगे। साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे और प्याज भी डाल देंगे। अब इनको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। लहसुन और अदरक को पहले डालने से थोड़ा सा अच्छा सोंधा सोंधा खुशबू आता है, इसलिए थोड़ा सा पहले डालते हैं, कुछ सेकंड पहले। प्याज भून जाने के बाद कटा हुआ टमाटर डालेंगे, हल्का सा इसको मिला लीजिए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। मैंने आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे खट्टापन बहुत पसंद है। यदि आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं या भी इसको अवॉइड कर दीजिए। अब इन मसालों को अच्छे से मिला लीजिए। इन मसालों में थोड़ा सा नमक डालेंगे, वैसे हमने दाल में नमक ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं। इनको अच्छे से मिला लेंगे, मसाले अच्छे से पक जाएं। इसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच पानी डाला है, इससे मसाले अच्छे से पक जाएंगे और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी पकने के बाद, और टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। इनको ढक दीजिए करीब 1/2 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है, तेल अलग हो गया है, टमाटर भी अच्छे से गल गया है। इसको दबा दबा के इसको अच्छे से मिला लीजिए सारे मसालों को। अब हम इसमें पका हुआ दाल है जो इसको डाल देंगे। डाल के इसको मिला लीजिए अच्छे से। यदि आप चाहें तो इसमें और एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं। आपको कैसा गाढ़ा खाना पसंद है या थोड़ा और पतला करना चाहें, आपकी पसंद है, आप और पानी मिला सकते हैं। लेकिन पानी मिलाने से पहले आप उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, तब इसमें डालिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ये देखिए थोड़ा गैस पे हम रख देंगे इसको उबलने के लिए, इसमें उबाल आने देंगे इसी तरह से। इसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि इसकी जो खुशबू है इसमें बनी रहे। ये देखिए दाल हमारी उबलने लगी है। इसको पकने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। दाल उबल चुकी है, इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती पहले डाल देते हैं उबलते हुए दाल में, ताकि ये धनिया पत्ती का जो खुशबू है इसमें दाल में एब्जॉर्ब हो जाए। अब थोड़ा कुछ सेकंड और गैस पर रखेंगे धीमी आंच पर और गैस को बंद कर देंगे। दाल बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इस दाल को बनाना भी बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसको कभी बना लीजिए और पूरे परिवार को ये बहुत पसंद आती है दाल। गैस को बंद कर दीजिए, इसमें थोड़ी धनिया पत्ती और 1 छोटा चम्मच घी डाल दीजिए ऊपर से। और ये तैयार हो गई आपकी साबुत मसूर दाल फ्राई, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिए। आप इसको गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। यदि आपको ये मेरी रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।